स्टाडी राइडर चैनलेर पक्ष थेके सकलके आबारो स्वागत। आज आमि 2021 सालेर माध्यमिक परीक्षार्थीदेर जोन्नो सायेंटिफिक साजेशन क्लासिफायर प्लस एई बोईटी थेके 91 नम्बर पातार आयतघन अध्यायेर दीर्घ उत्तरभित्तिक प्रश्नेर टाइप 7 एर कयेकटी अंक समाधान करे देब। तो चलो प्रथमे देखे नेওয়া যাক टाइप 7 अंके कि बला आछे। एखाने रयेछे बास्तव प्रयोग, एटा एकटा रिक्वेस्टेड भिडियो। प्रथम अंकटा देखे नेওয়া যাক। ग्रामेर आयतक्षेत्राकार माठेर दैर्घ्य ओ प्रस्थ यथाक्रमे 20 मीटार और 15 मीटार। ओई माठेर भितरे चारटी कोणे पिलार बसानोर जन्य 3 मीटार दैर्घ्य विशिष्ट चारटी घनकाकार गर्त केटे अपसारित माटी अवशिष्ट जमिर ओपर छड़िये देওয়া हलो। माठेर तलेर उच्चता कतटा बृद्धि पेल? आयताकार माठेर दैर्घ्य और प्रस्थ देওয়া आछे यथाक्रमे 20 मीटार और 15 मीटार। सुतरां आमरा जोदि आयताकार माठेर क्षेत्रफल बेर करी ताहले आमादेर करते हबे 20 मीटार इंटू 15 मीटार समान 300 वर्ग मीटार। एटा हो गेल आयताकार माठेर क्षेत्रफल। एरपर चारटी घनकाकार पिलार बसानोर जन्य माटी काटा हयेछे। तो चारटी पिलारेर जन्य मोट जमिर क्षेत्रफल, जेहेतु प्रतिटी पिलारेर बाहुर दैर्घ्य देওয়া आछे 3 मीटार, ताहले 3 मीटार तार स्कोयार क्षेत्रफल जेहेतु बेर करछि बाहु स्कोयार करते हबे। तो एरकम आछे मोट 4टी पिलार, ताई जन्य एटाके 4 दिये गुण करते हबे। सुतरां एखान थेके आमरा पाबो 3 × 3 = 9, 4 × 9 36 वर्ग मीटार। ताहले देखो अवशिष्ट जमिर क्षेत्रफल कतटा हबे। मोट जमिर क्षेत्रफल छिलो 300 वर्ग मीटार, सेखान थेके पिलारेर जन्य 36 वर्ग मीटार जायगार माटी केटे नेওয়া হয়েছে। तो 36 वर्ग मीटार एटा बाद दिते हबे, दिले आमरा एखान थेके पाबो 264 वर्ग मीटार। एटा होच्छे अवशिष्ट जमिर क्षेत्रफल। एरपरे एक एकटी गर्तेर माटिर आयतन होच्छे बाहुर किऊब अर्थात 3 मीटारेर किऊब। एटा हलो एक एकटी गर्तेर माटिर आयतन। तो एरकम मोट गर्त कटा आछे 4टে, ताहले पुरो माटिटार आयतन बेर करार जोन्नो आमादेर एई बाहुर किऊबके 4 दिये गुण करते हबे, जेहेतु 4টি गर्त। सुतरां एखान थेके आमरा पेये जाबो 4 × 3 = 9, 3 × 9 27 घनमीटार समान 108 घनमीटार। एखाने धरे निते हबे माटिर तल x मीटार बृद्धि पेल। ताहले एखाने खेयाल करो अवशिष्ट जमिर क्षेत्रफल आमरा जेटा पेयेछिलाम अर्थात चार कोणेर चारटे पिलार बसानोर जे माटी सेई क्षेत्रफलटाके बाद दिये बाकी जे क्षेत्रफलटा आमरा पेयेछिलाम सेटा होच्छे 264 वर्ग मीटार। ताहले सेई 264 वर्ग मीटार माटिर उच्चता कतटा बाड़बे? x मीटार। ताई जन्य एई क्षेत्रफलेर साथे एक्सटाके गुण करे दिलाम। एटा कत घनमीटार माटिर साथे समान हबे? 108 घनमीटार माटिर साथे समान हबे। तो एखान थेके आमादेर x एर मानटा बेर करते हबे। x समान हबे 108/264। एखाने आमरा जोदि काटाकाटी करी 4 दिये काटले हबे 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28 और नीचेटाके 4 दिये काटले हबे 66। एरपरे आबारो 3 दिये काटले 3 × 9 = 27, 3/26। अतएव एक समान समान आमरा पेये जाচ্ছি 9/22। सुतरां माटिर तलेर उच्चता बाड़बे 9/22 मीटार। दुइয়ের দাগের অঙ্কটা একই টাইপের, আশা করি ওটা তোমরা করতে পারবে যদি একটা বুঝে থাকো। তো আমি এরপর 3 এর দাগের অঙ্কটা করে দেব। একটি ধান ক্ষেতের দৈর্ঘ্য 300 মিটার, প্রস্থ 150 মিটার, ক্ষেত্রটির 1 সেন্টিমিটার উচ্চতায় জল আছে। ক্ষেত্রটিতে জল দেওয়ার জন্য সেকেন্ডে 25 ঘনমিটার জল নির্গত হয়। এরূপ একটি পাম্পের ব্যবহার করে কত সময়ে ক্ষেত্রটির জলতল 5 সেমি উচ্চতায় উঠবে? एखाने आमादेर धान खेतेर दैर्घ्य और प्रस्थटा देওয়া আছে। तो सेखान थेके प्रथमे आमादेर बेर करे निते हबे धान खेतेर क्षेत्रफल, अर्थात एखाने हबे 300 मीटार गुणितक 150 मीटार, कारण आमरा जानी आयतक्षेत्रेर क्षेत्रफलेर सूत्र होच्छे दैर्घ्य इनटू प्रस्थ। तो एटा करले आमरा पेये जाबो 45,000 वर्ग मीटार। एरपरे बोलेछे प्रथमे 1 सेंटीमीटर उच्चतायुक्त जल छिलो, ताहले 1 सेंटीमीटर उच्चतायुक्त जलेर आयतन कत हबे? दैर्घ्य प्रस्थ इनटू उच्चता। तो एखाने दैर्घ्य माने होच्छे 300 मीटार, प्रस्थ माने होच्छे 150 मीटार और उच्चता माने 1 सेंटीमीटर। तो एई 1 सेंटीमीटरटाके आमादेर मीटारे निये जेते हबे, जेहेतु बाकी दुटो एकक मीटारे रयेछे, ताई ओई 1 सेंटीमीटरटाके जोदि आमरा मीटारे निये जाई ताहले सेई क्षेत्रे 100 दिये भाग करते हबे मीटार। तो एखाने देखो 0 0 দুটো শূন্য কাটছে, কেটে এখানে বের হচ্ছে 450 ঘনমিটার। এরপর ওই উচ্চতার জলটা থেকে আমাদের ওটাকে 5 সেন্টিমিটার উচ্চতাযুক্ত জলে পরিণত করতে হবে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে জলের আয়তন নিশ্চয়ই বাড়বে। তো এখানে দেখো 300 মিটার × 150 মিটার × पाँचेर एकशो जेहेतु एटाओ सेंटीमिटारे आछे एटाके आमादेर सेंटीमिटार थेके मिटारे कनभार्ट करते होबे ताई जोन्नो 100 दिये भाग करलाम एत मीटार। तो एखानेओ काटाकाटी जाबे, काटाकाटी करले आमरा पेये जाबो एखाने 2250 घनमीटार। ताहले जलेर आयतन बाड़लो, आगे छिलो 450 घनमीटार एखन हये गेछे 2250 घनमीटार। ताहले कतटा परिमाण बाड़लो ना 2250 माइनस 450 घनमीटार समान 1800 घनमीटार। एतटा परिमाण जलेर आयतनटा बाड़ाते हबे। तो एखाने बोये बोले देवा आछे सेकेंडे 25 घनमीटार जल निर्गत है एरूप एक पाम्पेर साहाज्ये क्षेत्रीते जल भरते हबे। ताहले 25 घनमीटार जल निर्गत है एक सेकेंडे। ताहले एक घनमीटार जल निर्गत होते कम समय लागबे 1/25 सेकेंडे। और आमादेर बेर करते हबे 1800 घनमीटार जल निर्गत होते कत समय लागे। 1800 घनमीटार जल निर्गत होते समय लागबे बेशी, ताई जन्य 1800टा ऊपरे जाबे और 25टा नीचे आसबे। तो एखाने काटाकाटी करले 5 दिये काटले 5×3=15, 5×6=30। आबार 5 दिये जोदि एटाके काटा हय ताहले आमरा पाबो 72 सेकेंड। ताहले 72 सेकेंडटाके आमादेर मिनिटे निये जेते हबे जेहेतु एटी 60 एर थेके बड़। 60 × 60 = 2.1 अर्थात 1 मिनिट 12 सेकेंड। अतएव 1 मिनिट 12 सेकेंड समय लागबे। 4 दागेर अंके रयेछे एकटी चायेर बाक्सेर भितरेर दैर्घ्य प्रस्थ ओ उच्चता यथाक्रमे 7.5 डेसिमिटार, 6 डेसिमिटार और 5.4 डेसिमिटार। चा भर्ती बाक्सेर ओजन 52 किग्रा 350 ग्राम, किन्तु खाली अवस्थाय बाक्सेर ओजोन 3.75 किग्रा होले 1 घन डेसिमी चायेर ओजन कत। चा भर्ती बाक्सेर ओजन देवा आछे 52 किग्रा 350 ग्राम। तो एखाने पुरोटाके जोदि आमरा किग्राय कनभार्ट करी ताहले एखाने हये जाबे 52.350 किग्रा। और खाली चायेर बाक्सेर ओजन होच्छे 3.75 किग्रा, एटा अंके देवा आछे। ताहले देखो चायेर ओजन कत हबे। चा भर्ती बाक्सेर ओजनेर थेके खाली चायेर बाक्सेर ओजन जोदि आमरा बाद दिये दिई ताहले जेटा पड़े थाकबे सेटाई होच्छे चायेर ओजन। सुतरां 52.350 माइनस 3.75 एत किग्राई हबे चायेर ओजन। एटा समान आमरा पेये जाबो 48.6 किग्रा। एरपर देखो चायेर बाक्सेर आयतन, चायेर बाक्सेर आयतन बेर करार जोन्नो दैर्घ्य इनटू प्रस्थ इनटू उच्चता करते हबे एत घन डेसिमी। एटा समान गुण करले आमरा पेये जाबो 243 घन डेसिमिटार। एरपर बोले देवा आछे एई जे 243 घन डेसिमिटार चायेर आयतनटा पावा गेछे बाक्सेर आयतनटा, सेई 243 घन डेसिमिटार चायेर ओजन देवा आछे 48.6 किग्रा। सुतरां आमरा लिखते पारी 243 घन डेसिमी चायेर ओजन 48.6 किग्रा। ताहले 1 घन डेसिमिटार चायेर ओजन निश्चय कम हबे 48.6/243 किग्रा। और आमादेर एटाई बेर करते हबे। तो एखाने दशमिकटा तुलले नीचे एकटा 10 आसबे जेहेतु दशमिकेर डान दिके एकटा संख्या रयेछे। तो एखाने काटाकाटी करले 243 दुगुणे हय 486। आबार 2 एर साथे 10 के काटले 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 10। ताहले आमरा एखान थेके पेये जाच्छि 1.5 किग्रा। तो एबारे 1.5 किग्राटाके जोदि आमरा ग्रामे कनभार्ट करी ताहले एटाके आमादेर 1000 दिये गुण करते हबे तबे एटा ग्रामे आसबे। तो 5 दिये काटाकाटी करले 5×200 = 200 ग्राम। अतएव 1 घन डेसिमिटार चायेर ओजन 200 ग्राम। 5 एर अंके रयेछे 4 मीटर लम्बा, 5 डेसिमिटार चौड़ा और 3 डेसिमिटार पुरु एकटी काठेर लग थेके 2 मीटर लम्बा 2 डेसिमिटार चौड़ा 40टी तक्ता चेराई करा हलो। चेराइएर फले 2% काठ नष्ट हयेछे किन्तु लगटिते 108 घन डेसिमी काठ रये गेछे। प्रतिटी तक्ता कतटा पुरुता निर्णय करो। प्रथमेই आमादेर बेर करे निते हबे काठेर लगटिर आयतन जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता तीनटेई देवा आछे। दैर्घ्य होच्छे 4 मीटार, प्रस्थ 5 डेसिमिटार और उच्चता होच्छे 3 डेसिमिटार। तो एखाने अंकटा तोमरा खेयाल करले देखते पाबे दुटो राशिमालार एकक एकई रयेछे और एकटार आलादा रयेछे। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা একককে একই করে নিতে হবে। তো এই ৪ মিটারটাকে আমরা যদি ডেসিমিটারে কনভার্ট করি তাহলে এখানে ৪ কে ১০ দিয়ে গুণ করতে হবে, অর্থাৎ ৪×১০=৪০ ডেসিমিটার হবে, ইনটু ৫ ডেসিমিটার ইনটু ৩ ডেসিমিটার। তো সব কটাকে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব ৬০০ ঘন ডেসিমি। এরপরে আমাদের ধরে নিতে হবে প্রতিটি তক্তা পুরু x ডেসিমিটার। তাহলে প্রতিটি তক্তার আয়তন কত হবে? তক্তার দৈর্ঘ্য বলা হয়েছে ২ মিটার, প্রস্থ বলা হয়েছে ২ ডেসিমিটার আর উচ্চতা ধরে নেওয়া হয়েছে x ডেসিমিটার। তাহলে এখানেও তাই, ২ মিটারটাকে ডেসিমিটারে কনভার্ট করলে ২টা হয়ে যাবে ২০ ইন্টু প্রস্থ হচ্ছে ২ আর উচ্চতা হচ্ছে x এত ঘন ডেসিমিটার, সমান সমান 40x ঘন ডেসিমিটার। তাহলে এরকম 40টি তক্তা রয়েছে, তাহলে 40টি তক্তার আয়তন হবে 40×40x ঘন ডেসিমিটার। এরপরে বলা হয়েছে 2% কাঠ নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে নষ্ট কাঠ হচ্ছে ৬০০ ঘন ডেসিমিটার, অর্থাৎ টোটাল কাঠের লগটা 2%। তার মানে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ৬০০ ঘন ডেসিমি ইন্টু ২/১০০, যেহেতু পার্সেন্ট উঠছে নিচে একটা ১০০ আসবে, ০০০০ কেটে গেল, সমান ১২ ঘন ডেসিমি। তাহলে অবশিষ্ট কাঠ কতটা রইল? অবশিষ্ট কাঠ রইল ৬০০ ছিল মোট, সেখান থেকে ১২ ঘন ডেসিমিটার চলে গেলে পড়ে থাকবে ৫৮৮ ঘন ডেসিমিটার। এরপরে আমাদের চলে আসতে হবে শর্তে, অর্থাৎ শর্তানুযায়ী এই যে তক্তাগুলো তৈরি করা হয়েছে, অর্থাৎ 40×40x এতগুলো তক্তা তৈরি করতে যতটা কাঠ লেগেছে প্লাস কাঠ যতটা পরিমাণে নষ্ট হয়েছে, এই পুরোটা মিলিয়েই হচ্ছে ৫৮৮ ঘন ডেসিমিটার। তো এখান থেকে আমাদের এটাকে সমাধান করতে হবে। এখানে হবে ১৬০০x সমান ৫৮৮, ১০৮টা বাঁদিক থেকে ডান দিকে এলে বিয়োগ হয়, আর ১৬০x এটা সমান সমান হবে ৪৮০, আর x সমান সমান ৪৮০/১৬০। এখানে কাটাকাটি করলে আমরা পাবো, একটা করে শূন্য কাটা হলো, ৩ × ১৬ = ৪৮, নিচে হবে ১০, আর x সমান সমান ৩/১০। তাহলে প্রতিটি তক্তা পুরু ৩/১০ ডেসিমিটার, এটাকে আমরা সেন্টিমিটারে নিয়ে গেলে একটা ১০ দিয়ে গুণ করব। তাহলে এখানে দেখো ১০×১০ কেটে গিয়ে সমান সমান পড়ে থাকবে ৩ সেমি। তাহলে প্রতিটি তক্তা ৩ সেন্টিমিটার করে পুরু। আজ এই পর্যন্ত। আজকের ভিডিওটি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিও, আর পড়াশোনা সংক্রান্ত এরকম আরও অনেক ভিডিও পেতে বিনামূল্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। ভালো থেকো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি নেক্সট পার্টের ভিডিও নিয়ে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।